सभापति महोदय लोग चीखते रहे, बच्चे भी लगते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरों से उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधान, सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए, और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है, संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं, ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती है उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। मुझे तो होटलों ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ। मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान कौन है? 83 मिनट 71 बार थपथपाई गई मेज, 14,417 शब्दों का बजट भाषण, और उस बजट में अपने लिए राहत तलाशती मिडिल क्लास की हैरत ज़दा आँखें। सभापति महोदय, मेरे हाथों में जो दस्तावेज है दरअसल ये देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की उम्मीदों का स्मारक है। ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री महोदया ने बजट नहीं तैयार किया है बल्कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संकलन तैयार किया है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं, ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोला है। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, सभापति महोदय मेरा टाइम पॉज करें और बार बार इंटरप्ट करने को या तो मना करें। हाँ बोले, कृपया बोले। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे ये पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा, क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। सभापति महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है।
यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर चार दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ। मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान हिंदू है या मुसलमान है। मुझे पूछना है कि लावारिस लाशों के लिए कोरोना में कांधा देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब। लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापति महोदय। अफसोस, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी, ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो टोटल कॉरपोरेट टैक्स का 40%, इनकम टैक्स का 32% और जीएसटी का 20% इस देश को देता है, उस महाराष्ट्र के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है। आप बैठ जाएं। सभापति महोदय, आखिर महाराष्ट्र से किस बात का बदला लिया जा रहा है? महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए वोट क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए, अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो यवतमाल का वो दाभड़ी गांव जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए, आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वारी सरकार। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सेक्शन किए थे, लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोह रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांध बनाइए, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा, विकास होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर। सभापति महोदय, एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न
जश्न मना रही है सभापति महोदय। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरों से उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। यह बजट झूठ का पुलिंदा है, यह बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है, यह बजट हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे हाथ में एक तरफ न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली। बैठे नहीं बोले, कृपया। सिंह टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं, हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। सभापति महोदय, मैं यहाँ खड़ा होकर के अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है, इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है, पानी बरसने से वहाँ 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उस शहर को, उस राज्य को 4000 करोड़ के पैकेज की ज़रूरत है ताकि जो फसलें बर्बाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि पिछले 7 दिन से इस बजट का बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, इसे महान बताया जा रहा है, लेकिन कौन महान बता रहा है? सत्ता पक्ष के लोग, उन्हें तो बताना ही है, क्योंकि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, प्रतापगढ़ से, नीरज भाई भी अवध और पूर्वांचल से आते हैं, वहां एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ किसने की, बिटिया की महतारी ने, यानी कि बेटी की प्रशंसा किसने की, मां ने। तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही, लेकिन विपक्ष के एक भी सांसद से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है, तो वो ये कहेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आम बजट पर अपनी राय रखने के लिए धन्यवाद।